हेलो निश्रिया व्यूअर्स, आज हम लाए हैं चॉकलेट गनाश पर एक खास वीडियो जिसमें हम देंगे गनाश से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस के आंसर्स। हमें चॉकलेट गनाश के वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए थे जिसमें ज़्यादातर लोगों के क्वेश्चंस कॉमन ही थे, तो उन सभी क्वेश्चंस की लिस्ट हमने बनाई है और आज उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स हम आपको देंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप कुछ भी इसमें मिस ना करें। तो देखिए, चॉकलेट गनाश बेसिकली चॉकलेट क्रीम और बटर के स्मूथ सिरप को कहते हैं, जिसे आप केक पे पोर कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं और अगर गनाश थिक हो तो पाइपिंग बैग में फिल करके आप केक्स को डेकोरेट भी कर सकते हैं। चॉकलेट गनाश बनाने के लिए कितनी क्वांटिटी में क्रीम, चॉकलेट और बटर यूज़ होता है उसका एक डिटेल वीडियो हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं अपने चैनल पर और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपने हमारा गनाश का बेसिक वीडियो नहीं देखा है तो आप वो देख लें। इस वीडियो में हमने बहुत अच्छी तरह से डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि किस तरह की क्रीम यूज़ होगी, कौन सी चॉकलेट यूज़ होगी और कितनी कितनी क्वांटिटी में हमें यूज़ करनी है, पोरिंग गनाश के लिए क्या रेशो होगा, पाइपिंग गनाश के लिए क्या रेशो होगा और अगर आप वाइट चॉकलेट गनाश बना रहे हैं तो वाइट चॉकलेट गनाश के लिए कितनी क्वांटिटी में क्रीम और चॉकलेट को यूज़ करेंगे। तो इस वीडियो को देख करके आप गनाश की बेसिक रेसिपी को समझ सकेंगे। तो चलिए अब हम लेते हैं पहला सवाल जो ज़्यादातर व्यूअर्स ने हमसे पूछा था। तो उन्होंने पूछा था कि बटर की जगह घी काम में ले सकते हैं या नहीं। तो आंसर है, गनाश बनाने के लिए बटर की जगह उसमें आप घी काम में ले सकते हैं, लेकिन रिफाइंड ऑयल या कोई भी दूसरा ऑयल काम में ना लें। तो गनाश की रेसिपी में चॉकलेट, क्रीम और साथ में आप घी काम में ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन था कि बटर सॉल्टेड लें या अनसॉल्टेड। तो इसका आंसर है कि ट्रेडिशनली जो चॉकलेट गनाश बनता है उसमें अनसॉल्टेड बटर यूज़ किया जाता है, लेकिन सॉल्टेड बटर अगर आप गनाश में यूज़ करते हैं तो उसका टेस्ट थोड़ा सा सॉल्टी हो जाता है। तो अगर आपको सॉल्टी टेस्ट पसंद आए तो आप सॉल्टेड बटर यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो अनसॉल्टेड बटर से ही गनाश तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्रीम की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं और क्रीम कौन सी यूज़ करनी है, क्रीम में कितना परसेंट फैट होना चाहिए। तो देखिए, गनाश को थिक, रिच और डिलीशियस बनाने के लिए गनाश में फैट ज़रूरी है, तो क्रीम आप यूज़ करें जिसमें कम से कम 35% फैट कंटेंट हो। तो अगर आप हैवी क्रीम और चॉकलेट से गनाश बना रहे हैं तो बटर के बिना भी गनाश बहुत टेस्टी ही बनेगा, लेकिन अगर आप कोई और हाफ एंड हाफ क्रीम यूज़ कर रहे हैं या ऐसी क्रीम यूज़ कर रहे हैं जिसमें फैट कंटेंट कम हो तो भी गनाश बन जाएगा, आप बस उसमें बटर या घी मेल्ट करके मिला लें। इनफैक्ट हमने क्रीम की जगह होल मिल्क से भी गनाश बनाया है और टेस्ट में भी कोई डिफरेंस नहीं आया। आप चाहें तो हमारा गनाश विद मिल्क का वीडियो देख सकते हैं। बहुत से व्यूअर्स ने हमें अपना फीडबैक भी शेयर किया है कि उनका गनाश मिल्क से बहुत ही अच्छा बना है, तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। तो बहुत सारे व्यूअर्स ने हमसे ये भी पूछा था कि चॉकलेट की जगह कोको पाउडर से गनाश बनाया जा सकता है क्या। तो बिल्कुल, कोको पाउडर से भी गनाश बनाए जा सकते हैं और कोको पाउडर से गनाश हम बना चुके हैं, उसका वीडियो भी हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। कोको पाउडर से गनाश के हमने दो वीडियो शेयर किए हैं, एक है जिसमें बटर यूज़ किया है और दूसरे वीडियो में कोको पाउडर से हमने गनाश बनाया है फैट फ्री, यानी बिना बटर या घी के। तो बटर के साथ में जो गनाश हमने कोको पाउडर से बनाया है उसमें कोको पाउडर, बटर, शुगर और मिल्क को थोड़ा देर गैस पर थिक होने तक पकाया है और फिर गनाश तैयार किया है। इसका डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कुछ व्यूअर्स का इसमें क्वेश्चन था कि बटर की जगह घी यूज़ हो सकता है क्या। तो अगेन, बटर की जगह आप घी काम में ले सकते हैं लेकिन ऑयल काम में ना लें। कोको पाउडर से जो हमने फैट फ्री गनाश बनाया है उसमें हमने थोड़ा सा कॉर्न फ्लावर यूज़ किया था, जिसके लिए कुछ हमारे पास क्वेश्चंस आए थे कि कॉर्न फ्लावर की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं। तो कॉर्न फ्लावर की जगह आप इसमें मैदा, अरारोट
या फिर कोको पाउडर ही काम में ले सकते हैं। कुछ व्यूअर्स का क्वेश्चन ये भी था कि कॉर्नफ्लावर क्या होता है या कॉर्नफ्लावर कौन सा वाला काम में लेना है, क्या येलो वाला कॉर्नफ्लावर काम में लेना है। तो यहाँ पर मैं वो क्लियर करना चाहूँगी कि इस रेसिपी में हम काम में लेंगे रिफाइंड कॉर्नफ्लावर, जिसको कॉर्न स्टार्च भी कहते हैं। ये वाइट कलर का होता है। येलो कलर का जो कॉर्नफ्लावर होता है वो बेसिकली कॉर्न मील कहलाता है, यानी मक्के का आटा। तो हमें वो रॉ मक्के का आटा या कॉर्न मील काम में नहीं लेना है। वाइट कलर का जो बहुत ही बारीक होता है, एकदम पाउडर फॉर्म में आता है, कॉर्न स्टार्च भी बोलते हैं उसे या फिर कॉर्नफ्लावर भी बोलते हैं, तो वही काम में ले। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप उसकी जगह मैदा अरारोट भी काम में ले सकते हैं। और अगर ये भी काम में नहीं लेना चाहते तो आप उस कॉर्नफ्लावर की क्वांटिटी को केवल कोको पाउडर से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। तो बहुत सारे व्यूअर्स का ये भी क्वेश्चन था कि गनाश को कितने दिन तक स्टोर करके रखा जा सकता है। तो देखिए, आप गनाश को 2 दिन तक रूम टेम्परेचर पे स्टोर करके रख सकते हैं और 1 वीक तक रेफ्रिजरेट करके रख सकते हैं। लेकिन जब आप गनाश को स्टोर करें तो थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि इसको बहुत अच्छे से हम प्लास्टिक से कवर करके रखें, उसकी एयर को निकाल करके। ये टेक्निक हम ऑलरेडी अपने वीडियोस में शेयर कर चुके हैं, तो गनाश को स्टोर करने की टेक्निक आप हमारे वीडियोस में देख सकते हैं। किसी भी प्लास्टिक क्लिंग को लेकर के गनाश के ऊपर एयर को रिमूव करते हुए कवर करेंगे और फिर इसको स्टोर करके रखेंगे ताकि गनाश में बबल्स नहीं आए। कुछ व्यूअर्स ने हमसे क्वेश्चन किया था कि व्हिपिंग क्रीम की जगह गनाश से केक को डेकोरेट कर सकते हैं क्या। तो बिल्कुल, आप पाइपिंग गनाश को केक स्लाइसेस पर स्प्रेड कर सकते हैं और फिर पूरे केक को पाइपिंग गनाश से कवर कर लें और फिर ऊपर से पोरिंग गनाश को पोर कर लें। दूसरा तरीका ये भी है कि हमने कोको गनाश सिरप को काम में लेकर के बिना क्रीम के फ्रॉस्टिंग तैयार की है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस वीडियो में हमने फ्रॉस्टिंग तैयार की है जिसमें बिल्कुल क्रीम यूज़ नहीं हुई है, केवल कोको गनाश सिरप को हमने काम में लिया है और उसे बटर के साथ में बहुत अच्छे से फेंटा है और फ्रॉस्टिंग तैयार की है। उस फ्रॉस्टिंग को आप केक स्लाइसेस पर लगा सकते हैं, पूरे केक को कवर कर सकते हैं और फाइनली उसको डेकोरेट करने के लिए आप केवल डार्क गनाश को यूज़ करके ड्रिपिंग इफेक्ट दे सकते हैं। एक क्वेश्चन था कि पोरिंग गनाश को पाइपिंग गनाश बनाने के लिए कितनी देर तक रूम टेम्परेचर पर रखना होगा। तो देखिए, अगर आप चॉकलेट से गनाश बना रहे हैं तो 5-6 घंटे में रूम टेम्परेचर पर गनाश सेट हो जाता है और पाइपिंग गनाश की तरह यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अगर आप कोको पाउडर से गनाश बना रहे हैं तो गनाश को रेफ्रिजरेट कर दें 3-4 घंटे के लिए, तो 3-4 घंटे बाद वो थिक हो जाएगा और उसको आप पाइपिंग गनाश की तरह से यूज़ कर सकते हैं। कुछ व्यूअर्स ने सवाल किया था कि कोको पाउडर की जगह कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं क्या। तो बिल्कुल, आप कोको पाउडर की जगह कॉफ़ी से भी गनाश तैयार कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी कॉफ़ी से गनाश बनाया है और उस वीडियो को हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। कॉफ़ी गनाश के वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शुगर के लिए भी कुछ लोगों ने हमसे क्वेश्चन किया था कि शुगर कौन सी यूज़ करनी है, रेगुलर शुगर काम में लेनी है, ग्रैनुलेटेड शुगर लेनी है या पाउडर्ड शुगर। तो गनाश बनाने के लिए हम या तो पाउडर्ड शुगर काम में लेते हैं या फिर ग्रैनुलेटेड शुगर काम में लेते हैं। रेगुलर शुगर काम में नहीं लेंगे। अगर आपके पास रेगुलर शुगर है तो उसको ग्राइंड करके बारीक कर लें और फिर उससे आप गनाश तैयार करें। हमने और भी बहुत सारे तरीके से गनाश तैयार किए हैं। लेटेस्ट अभी हमने डार्क चॉकलेट गनाश बनाया है जिसका हम वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। डार्क गनाश में हमने केवल कोको पाउडर यूज़ किया है और इसे बिना क्रीम और बिना मिल्क के बनाया है। इसकी खासियत ये है कि इस गनाश का टेस्ट बिल्कुल वैसा आता है जैसा कि आप डार्क चॉकलेट को यूज़ करके गनाश तैयार करते हैं। तो ये बहुत ही कम कॉस्टिंग में बनने वाला गनाश है। केवल कोको पाउडर यूज़ करेंगे, नो क्रीम नो मिल्क, और इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा आएगा जैसा कि डार्क चॉकलेट से बनने वाले गनाश का टेस्ट होता है। हमने वाइट गनाश भी बनाया है, उसका वीडियो भी हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। वाइट गनाश हमने बनाया था बिना वाइट चॉकलेट के, इसके लिए हमने केवल मिल्क पाउडर काम में लिया था। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।
व्हाइट गनाश भी आप बहुत तरह से केक में यूज़ कर सकते हैं, केवल व्हाइट कलर में यूज़ कर सकते हैं, या फिर व्हाइट गनाश तैयार करके उसमें थोड़ा सा कलर डाल करके आप डिफरेंट कलर्स के ड्रिपिंग इफेक्ट देते हुए भी केक डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये तो थे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप लोगों ने हमें शेयर किए थे, उनके हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। इन क्वेश्चंस के अलावा भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो गनाश से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स देने की। तो चलिए, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, साथ ही इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही निश्रेया ग्रुप के बाकी चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें। For more updates, subscribe to our channel, click the video links and enjoy watching the videos.